हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ रहे थे क्लास 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर। और इसको पढ़ने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा टिप दिया था, उसको प्लीज जरूर फॉलो करिएगा कि जब भी आप कोई रिएक्शन लर्न करते हैं, जिस भी दिन आप उसको लर्न करते हैं, तो उसको हर दिन दो एक बार, एक दिन फिर दो दिन फिर 7 days, इस तरह के डिफरेंस में आप उसको लिखते रहें। एक अलग से कॉपी बना लें, जितनी बार आप उसको लिखेंगे आपको उतना ही वो लर्न हो पाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लर्न करके आपने उसको छोड़ दिया और आपको लर्न रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आपको लर्न करनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिस ही इसका एक ओनली मुझे सोल्यूशन नजर आता है। तो जितनी बार आप उसे लिखे, स्टार्टिंग से वापस से एक बार रिएक्शन लिख दें, जब भी आपको टाइम मिल रहा है इन द नाइट, सोते समय, सोने से पहले, तो कभी भी आप इसको आज कर लिया, फिर 5 days बाद में कर लिया, 7 days बाद, तो आपको ये एक बार अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो उसके बाद आप फिर इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स में काफी टाइम है। अगर आप इसको अभी से लर्न करके छोड़ देंगे तो फिर ये आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा। एक बार कुछ टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। तो हम अपने वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें हमने हैलोजन एक्सचेंज पढ़ लिया था, हमने हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया था और एल्कोहल से पढ़ लिया था। अब हम आगे अपना वीडियो चलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी देखिए नेम वाली जो रिएक्शन है वो लर्न करना बहुत जरूरी है आपके प्रैक्टिकल में, वाइवा के अकॉर्डिंग भी और आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। कन्वर्जन हो सकता है कई बार आप प्रॉब्लमेटिक वो प्रॉब्लम में फंस जाए कन्वर्जन में, लेकिन नेम वाली रिएक्शन आपको जरूर से लर्न करनी चाहिए। हम बात करते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन के ऊपर आते हैं। ये रिएक्शन जो है एनिलीन बनाता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 लगाते हैं उसे हम बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं। NaNO2 प्लस HCl जो है इसे रिएक्शन कराने पर जो कंपाउंड बनता है वो एकदम नया होगा आपके लिए, इसे बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अभी यहीं पर खत्म नहीं होगा, हम आगे रिएक्ट करवाएंगे इसको। अगर मैं CU2Cl2 से करवाती हूँ तो आपका बेंजीन में से N2 अलग हो जाएगा और यहाँ पे Cl के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी और Cl2 अलग, तो आपके पास ये हेलोएरेन बन गया है, हेलोएरेन्स बना है। उसी तरह से CU2BR2 से कराने पर आपका ये BR N2 जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिखने के लिए या लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हमारे को मेन प्रोडक्ट पे ही फोकस करना पड़ता है। KI से कराने पर हमारे पास बन जाता है यहाँ पे आयोडीन लग जाता है। तो इस तरह हेलोएरेन बनाने के काम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप जरूर से लर्न करिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी हम बेंजीन रिंग से ही करवाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 हमारा किसकी तरह कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्लोरीन आपको पता है किसमें भी लग जाएगा, सारे बेंजीन के कार्बन जो है वो सेम है, तो यहाँ हमारा बना है क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? उसके बाद में इस बार मैंने यहाँ पे टोलुइन ले लिया, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगता है, Cl2 अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहां आप देखिए CH3 अपनी जगह पे ही लगेगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे भी लग सकता है और जो आपका Cl है वो आपका यहाँ पे भी लग सकता है। अभी क्या है कुछ अलग दिख रहा है आपको, मैं आपको बता दूं इससे पहले।
समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहती हूँ। देखिए, बेंजीन जो है, अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन, देखो पहले नंबर दे देती हूँ मैं उसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे कोई कंपाउंड होते हैं या 1 और 2 और 6 पे कोई कंपाउंड होते हैं तो वो आपके कहलाते हैं ऑर्थो। 1, 2 या फिर 1 और 6। अगर 1 और 3 पे होते हैं, 1 और 5 पे होते हैं या फिर मेटा, और 1 और 4 पे होते हैं तो पैर। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरीन क्लोरीन, ये आपका हो गया ऑर्थो। यहाँ देखिए, क्लोरीन क्लोरीन, ये आपका हो गया मेटा, और क्लोरीन और क्लोरीन, ये आपका हो गया पैरा। जरूरी नहीं है कि जैसे ही हो कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट भी होकर जुड़ सकते हैं। तो 1 और 4 के पैरा, 1, 2 ये 1, 2 इधर भी हो सकता है ऑर्थो, 1, 3 ये 1, 3 इधर भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड मेटा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सोचेंगे कि ये और इसे बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, और इसे बोलते हैं पैरा क्लोरो टॉलुइन। अब आप ये सोचेंगे कि ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों गया, मेटा पे क्यों नहीं गया। तो देखिए, क्लास 11 में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, और साथ ही साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है साथ में, तो ऑर्थो और पैरा पे ही कंपाउंड नेक्स्ट आके जुड़ेगा। तो याद रखिएगा, मिथाइल ग्रुप इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, ये रेजोनेंस से होता है, मैं आपको रेजोनेंस भी समझा देती हूँ। यहाँ पे ये मैं छोड़ देती हूँ, बिकॉज इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी। यहाँ देखिए, रेजोनेंस किस तरह से होता है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहाँ OH इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप, इसने इसको दिया, तो यहाँ पे तो प्लस आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ए मान लेते हैं, ये आपका प्लस आ गया। उसके बाद हम ये, इसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है, ये लॉन पेयर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये तो प्लस रहेगा ही, ये डबल बॉन्ड जो है नॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, और नॉन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये नॉन पेयर वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको रहने दीजिएगा, ये अभी बात नहीं करेंगे हम, इसके बाद रेजोनेंस आगे भी पढ़ते चलेंगे, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिथाइल ग्रुप जो है हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, समझिए कि ऑर्थो और क्लोरो और पैरा क्लोरो कंपाउंड बने हैं, क्या हम उन दोनों में से इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर है आपका यस। इन दोनों को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप पूछेंगे कि ज्यादा किसका होता है, तो पैरा क्लोरो का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो क्लोरो से। तो अब आप पूछेंगे कि रीजन क्या है, तो डोंट वरी, मैं आपको रीजन भी दूंगी, बट अभी आप ध्यान समझिए कि पैरा क्लोरो और ऑर्थो क्लोरो को आप दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट। पैरा क्लोरो टॉलुइन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। अब ऐसा क्यों है, देखिए, जब हम चैप्टर 1 जो आपके इस बार कोर्स में नहीं है, सॉलिड हम जब पढ़ते हैं तब हम उसे पैकिंग एफिशिएंसी समझाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे मान लीजिए कार्टन है, इसमें आप कोई सिमेट्रिकल चीज रख रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है, तो वो कार्टून में इजीली पैक हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, एकदम टाइटली पैक हो जाएगी, कोई स्पेस नहीं बचेगा, एक सॉलिड चीज बन जाएगी। ठीक है, जिसको अगर मैं इसको इजीली ना ब्रेक करना चाहूं तो ब्रेक नहीं होगा, ये मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसिमेट्रिकल चीज है इस तरह से, मान लीजिए
और मैं इसको इस तरह से कार्टून में पैक करना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा और वो इतनी टाइटली पैक नहीं हो पाएगी। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पैरा की, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है जबकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सॉलिड लेटिस बनाता है, लेटिस क्रिस्टल सॉलिड बनाता है जिसके कारण इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है, इसलिए पैराक्लोरोटोल्युइन का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है ऑर्थोक्लोरो। क्लियर है आपको? बहुत सिंपल था ये। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारे बाय एल्कीन्स के ऊपर आते हैं हम। एल्कीन से दो तरह से बनता है, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन्स। जैसे हम बात करें कोई हमारा एल्कीन है Br2 लगा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखिए क्या होगा, एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा दोनों डबल बॉन्ड पे। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जब ब्रोमीन वाटर का आप एल्कीन से रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि एल्केन के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ब्राउन कलर का ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, तो पता चलता है कि जो हमारा सब्सटेंस था, जो हमारा कंपाउंड था, वो क्या है, एल्कीन है। अब हम बात करेंगे बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की एल्कीन का ही रिएक्ट करवाते हैं हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं HBr से। तो देखिए यहाँ पे मार्कोनिकोफ का रूल लगता है, इसका हम मैकेनिज्म 11th क्लास में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बस आपको यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है कि मार्कोनिकोफ के रूल के अकॉर्डिंग जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, HBr से नेगेटिव कौन है, Br, वो वहां जाके जुड़ता है उस डबल बॉन्ड के कार्बन से आके जुड़ता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थी। आप एक बात समझ रहे हैं, HBr में नेगेटिव पार्ट है Br, Br में से उस एल्कीन के डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो CH3CH यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो रे तीन है। तो हमारा कंपाउंड कौन सा हुआ, नाम क्या हुआ, 2-bromopropane। क्लियर है आपको? तो वापस समझ लीजिए, मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन की से जुड़ता है जो डबल बॉन्ड से अटैच है लेकिन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। क्लियर? अब हम देखिए इसी को एक डिफरेंट तरीके से और समझाती हूं मैं। इस बार हम यहाँ पे एक नया कंपाउंड और ले लेते हैं, वो है परऑक्साइड। कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जब भी आप HBr के साथ परऑक्साइड ले लेते हैं तब हमारा हो गया वो एंटी मार्कोनिकोफ मार्कोनिक का उल्टा। इस समय क्या कहता है कि हमारा जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जाके जुड़ता है उस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। मार्कोनिकोफ में नेगेटिव वाला पार्ट जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोनिकोफ में जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस बार देखिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा और CH2Br 1-bromopropane। मार्कोनिकोफ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोनिकोफ में ज्यादा है। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा समझना भी। यहाँ देखिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड दे रखा है, इसे बच्चों को डराने के लिए दिया जाता है, बाकी आंसर बहुत सिंपल है। HBr से रिएक्ट कराते हैं,
आपको किसी के ऊपर नहीं आना, बस हम यहाँ देखना है एल्कीन चेन कहाँ पर है, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन नहीं है आपका, ये एरीन्स है, एल्कीन यहाँ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लियर है, यहाँ दो है इस कार्बन से और इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से आके जुड़ेगा, सिंपल है। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं और पर इन्होंने परऑक्साइड दे दिया, तो परऑक्साइड के हिसाब से ब्रोमीन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड पे ज्यादा यहाँ है, तो यहाँ देखिए एल्किन ग्रुप से जोड़ना है, यहाँ पे बी आर जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका एच जुड़ जाएगा, ये एच इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये सिंपल है, आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन का एग्जांपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जब हम आते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस और प्योर होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड से सनलाइट के एक्सपोजर पे कलरफुल हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, वापस देखिए ये कंपाउंड कलरलेस होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के जो कंपाउंड है वो सनलाइट के एक्सपोजर पे कलर्ड हो जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। अगर मैं बात करूं टू कार्बन का हेलो एल्केन है और थ्री कार्बन का हेलो एल्केन है, तो थ्री कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, आप यहाँ से देखिए जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, क्लियर है आपको, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, वॉटर फोर्स इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कार्बन की चेन सेम है लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इट मींस हैलोजन ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ देखिएगा आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा है, ब्रोमीन का कम, क्लोरीन का और कम, देन फ्लोरीन, तो एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा और उसी अकॉर्डिंग डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो भी डेंसिटी बढ़ती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, देखिए आपके दिमाग में आया होगा, मान लीजिए कोई फोर कार्बन का हेलो एल्केन है आपके पास, क्लियर है, और उसका आइसोमर्स भी तो हम बना सकते हैं फोर कार्बन का, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इनमें से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लॉन्ग चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया कम होता जाता है, ब्रांचिंग कम, ब्रांचिंग ज्यादा, हाई ब्रांच, सरफेस एरिया लेस एंड लेस, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स भी कम होता जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, ध्यान रखिएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन है और ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल दे रखी है, देखिए इसमें आपको बताना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन और ड्राई
ब्रोमो मीथेन। तो आपको बताना सबसे ज्यादा किसका है, तो देखिए मैं इसकी सबका CH3Br स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। ब्रोमो फॉर्म का क्या होता है CHBr3, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 उसी तरह से क्लोरोमीथेन और डाइब्रोमो मीथेन। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ हैलोजेंस ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ही एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक मास बढ़ने पर क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट 3 है, कार्बन सब में सेम है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो सेकंड नंबर पे ये। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एक ही सिंगल सिंगल हैलोजन है, जब एक ही हैलोजन है तो आप देख रहे हैं कि इनमें से किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ब्रोमीन का है, तो थर्ड नंबर पे इसका और फिर फोर्थ नंबर पे सबसे कम इसका। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो बॉन्ड नंबर फोर्स इंक्रीज होगा और आपका बॉन्डिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 1-chloropropane आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1-chlorobutane, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3 कार्बन एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल का होता है। और ब्यूटाइल के बारे में बात करूं, ब्यूटेन के बारे में 4 कार्बन, ठीक है। तो आप इनमें से आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें 4 कार्बन है, तो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा क्योंकि एटॉमिक मास इसका है। यहाँ दोनों में दो तीन तीन कार्बन आप देख रहे हैं, लेकिन हमने बात करी थी कि ब्रांचिंग अगर होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप एनसीईआरटी की एग्जांपल क्यों करवाए जा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है और आपका बोर्ड का पेपर है, वो ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड का पेपर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गए, बैक क्वेश्चन हो गए, तो वो करना इतना जरूरी है। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपका वेस्ट है वो चैप्टर पढ़ना, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्योंकि बोर्ड के पेपर में से क्वेश्चन वहीं से आना है, अपनी बात समझ रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर और हर टॉपिक के बाद करते जाएं, मैं भी ट्राई करूंगी उनको इन्वॉल्व करने का, इसमें इंक्लूड करते जाऊं ताकि आपको सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक, एक छोटा छोटा सा टॉपिक बचा है कि जो हमारे हैलोएल्केन्स है वो वाटर में बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, क्यों, जबकि हैलोएल्केन्स तो पोलर होते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, हैलोएल्केन वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन ये है कि हैलोएल्केन्स को जब पानी में डालते हैं तो दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो उसके बॉन्ड को क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए, तो इसलिए हैलोएल्केन पार्शियली डिजॉल्व होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होते हैं क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो उसके बॉन्ड्स को क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लगा।